ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ लास्ट लेटर, लेटेस्ट एंड लेटर. ये जो लेटर आता है वो टाइम के हिसाब से बाद में, और ये पोजीशन के हिसाब से बाद में, ये आपको पता होना चाहिए, राइट? ओके, सबसे पहले एट द प्रेसिडेंट गिव थैंक्स टू द ऑडियंस, सबसे लास्ट में प्रेसिडेंट ने ऑडियंस को धन्यवाद दिया, सो एट लास्ट, राइट? राम केम देन श्याम, राम शाम के बाद में आया होगा. अगर हमें इनमें से कुछ यूज करना है तो राम शाम के बाद में आया ऐसा बताना है, तो राम शाम के बाद आया मतलब टाइम अलग अलग है, राइट? सो लेटर देन श्याम. दिस इज द टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, दैट्स द वेरी सिंपल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे नई. बिटवीन राम एंड श्याम द इज मोर इंटेलिजेंट, राइट? यहां पर से हमें हमारे पास दो चॉइस है, या तो फॉर्मर रखें या लेटर रखें. पहले वाला ज्यादा होशियार है, बाद वाला ज्यादा होशियार है. पहले वाला और बाद वाला मतलब जिसकी पोजीशन के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है? राम एंड श्याम में से पहले पोजीशन किसकी है? राम की. और बाद की पोजीशन किसकी है? श्याम की, राइट? तो यहां पर सिंस फॉर्मर नहीं है, लेटर हम यूज कर सकते, लेकिन ये वाला, राइट? लेटर, द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट, दैट मीन्स जिसकी पोजीशन बाद में है, मतलब श्याम. इन दोनों में से श्याम की पोजीशन बाद में है, राम की पहले है, राइट? सो अगर फॉर्मर का ऑप्शन होता तो आप फॉर्मर भी लिख सकते हो, बिटवीन राम एंड श्याम द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट. लेकिन यहाँ पे फॉर्मर नहीं है इसलिए लेटर, लेकिन लेटर LATER. सो इस लेटर में और इस लेटर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये टाइम के हिसाब से, ये पोजिशन के हिसाब से. ओके, द हाफ ऑफ द सेंचुरी सॉ मैनी रिवेल्युएशंस, द लास्ट हाफ. ओके, लेटर हाफ, लास्ट हाफ की जगह लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी सॉ मैनी रिवॉल्यूशंस. ओके, देन राम वॉज प्रमोटेड एज ऑफिसर एट अ डेट के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से, तो लेटर डेट. देन वी हैव द चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स तो वेरी सिंपल, लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो बहुत सिंपल है, लास्ट बेसिकली जहां पे कंफ्यूजन होता है वो लेटर एंड लेटर में होता है, ये टाइम के हिसाब से, ये पोजिशन के हिसाब से. ओके, लेटर का अपोजिट है फॉर्मर, इसका ऑपोजिट जो है वो फॉर्मर. आई होप यू आर क्लियर. ओके, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. बहुत ध्यान से देखिए, सारे रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सेशन आप 2 से 3 बार सुनिए, जो तीनों सेशन बेसिक सेशंस थे. उसके बाद जो पिछला प्रैक्टिस सेशन था वो भी आपने अटेंड करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर कंफर्टेबल होगा. ओके, होल गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन. होल मतलब कोई एक ही चीज को हम ले सकते हैं, गर्ल्स के लिए होल नहीं लिख सकते, ऑल द गर्ल्स, सारी लड़कियां, राइट? All the girls were present in the function. Okay, then all the third books are in our course. Third books. All the three books are in our course. Okay, numerical adjective. This is my bed, which is yours, not your, yours. ये मेरा बेड है, तुम्हारा कौन सा है, राइट? सो ये बहुत सिंपल है. नन ऑफ दीज टू बुक्स इज यूजफुल. सो अगर दो है तो नन की जगह नाइदर लगाएंगे हम. नाइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज यूजफुल, नाइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज यूजफुल इज करेक्ट है, ठीक है? A good deal of persons were present at the railway station. Okay, good number of persons कह सकते हैं, या फिर a number of persons भी हम कह सकते हैं. Good deal, a number of persons were present at the railway station. मतलब अच्छी खासी संख्या थी. All the sides of the coin are shining. Coin को कितनी sides होती हैं? हेड या टेल, दो ही साइड्स होती है, तो ऑल लिखने की जरूरत नहीं, बोथ द साइड्स, ठीक है? ही अलोन लिव्स इन सच अ लार्ज हाउस. ओके, अभी देखिए जो सेंस है वो
सही से कन्वे नहीं हो रहा, क्या कहना चाह रहे कि इतने बड़े घर में वो अकेली रहती है, राइट? सो ही अकेले अकेले रहता है. सो ही लिव्स अलोन इन सच अ लार्ज हाउस. ही लिव्स अलोन इन सच अ लार्ज हाउस, राइट? द बोथ गर्ल्स हैव अराइव्ड. बोथ द गर्ल्स हैव अराइव्ड, राइट? बोथ द गर्ल्स हैव अराइव्ड. शी इज अमंग द फोर फर्स्ट मैरिट होल्डर्स. शी इज अमंग द फर्स्ट फोर मैरिट होल्डर्स. फर्स्ट फोर, राइट? ऑर्डिनल है, वो पहले आएगा, ठीक है? सो शी इज अमंग द फर्स्ट फोर मैरिट होल्डर्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था बेसिक सेशन में, आप जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा. ये रूल भी मैंने आपको बताया था कि ये पहले आता है, जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो पहले आते हैं नंबर के. तो लेकिन जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वैसे अपना आप ही क्लियर होते जाएगा, राइट? आपको बोलने में भी अजीब लगेगा द फोर फर्स्ट, आपको वैसे ही लगने लगेगा कि द फर्स्ट फोर होना चाहिए, ठीक है? लॉर्ड राम वॉज एन इनकार्नेट गॉड. गॉड इनकार्नेट, भगवान का अवतार थे, ठीक है? सो लॉर्ड राम वॉज अ गॉड इनकार्नेट. इनफैक्ट अ भी लगाने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड राम वॉज गॉड इनकार्नेट. ओके. आवर ऑल मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव. ऑल आर मेंबर्स, बोलते बोलते अपने आप से समझ आ रहा है, ऑल आर मेंबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव. हिज ऑल बुक्स, डेफिनेटली ऑल हिज बुक्स. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ओके. तो जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आप बोल रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग रहा है, लगता जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है. आई बॉट टिकट्स थ्री फॉर डेली. आई बॉट थ्री टिकट्स फॉर डेली. टिकट्स थ्री क्या होता है? थ्री टिकट्स, तीन टिकट खरीदी होंगी आपने, राइट? सो आई बॉट थ्री टिकट्स फॉर डेली. द ग्रेट अशोका वॉज अ ब्रेव किंग. अशोका के लिए हम अशोका द ग्रेट लिखते हैं, नॉर्मली भी आपको पता होगा. सो अशोका द ग्रेट वॉज अ ब्रेव किंग. अशोका द ग्रेट वॉज अ ब्रेव किंग. दिस कस्टम हैज बीन ऑब्जर्व सिंस इमोरियल टाइम. इमेमोरियल टाइम, आई एम सॉरी. ओके. दिस कस्टम हैज बीन ऑब्जर्व सिंस इमेमोरियल टाइम, मतलब कि बहुत ही पुराना है. तो ये जो इमेमोरियल है, इट्स एन एडजेक्टिव, बाद में शिफ्ट करिए, टाइम इमेमोरियल, राइट? हैव यू न्यू एनीथिंग टू टेल मी अबाउट द इंसिडेंट? हैव यू न्यू एनीथिंग, इनफैक्ट होना चाहिए हैव यू एनीथिंग न्यू. हैव यू एनीथिंग न्यू टू टेल मी अबाउट द इंसिडेंट. कुछ तुम्हारे पास और नया है क्या मुझे उस इंसिडेंट के बारे में बताने के लिए, राइट? सो हैव यू एनीथिंग न्यू. एनीथिंग न्यू, बोलते रहिए, एनीथिंग न्यू. राम इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर. जब भी हम सेम लेवल की बात करते, इक्वलिटी की बात करते, तो पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए. राम इज एज टॉल एज हिज ब्रदर. और अगर लंबा बताना है तो राम इज टॉलर देन हिज ब्रदर, राइट? राम इज नॉट मोर, रीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल एज सीता. ओके. तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, रीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता. मोर यूज नहीं करेंगे नेगेटिव पर भी हम, जब ये बता रहे हैं सीता के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब दो जनों में कंपैरिजन हो रहा है. तो रीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता, राइट? नॉट एज एन एस, एज एस का कॉम्बिनेशन एंड नॉट एज एन एस का कॉम्बिनेशन, राइट? गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल. ओके. प्रिटी सिंपल. शी इज नॉट दैट ऑल रिलायबल. शी इज नॉट दैट ऑल रिलायबल. शी इज नॉट ऑल दैट रिलायबल. ऑल पहले लगा दीजिए. शी इज नॉट ऑल दैट रिलायबल. ओके. सो दैट वॉज सिंपल एक्सरसाइज.
और भी सेंटेंसेस है, देखते हैं। टू ड्राइव इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग, यहां पर हमने फिशिंग लिखा है तो यहां पर भी हमें टू ड्राइव की जगह ड्राइविंग लिखना चाहिए, दैट इज एक्चुअली जेरंड। सो ड्राइविंग इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग, टू ड्राइव नहीं ड्राइविंग, दैट इज वर्बल नाउन, राइट? आई कैन से जेरंड। सो ड्राइविंग इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग, ड्राइविंग इज एन एक्टिविटी, फिशिंग इज एन एक्टिविटी, बोथ ऑफ देम आर नाउन, सो नाउन में कंपेरिजन हो रहा है कि ये भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना ये है। ओके, देन इट इज एज डिफिकल्ट टू स्विम एज ड्राइविंग, सो टू स्विम एज, यहाँ पर भी सेम ही बात है, इट इज एज डिफिकल्ट टू स्विम एज ड्राइव, टू इट इज एज डिफिकल्ट टू स्विम एज ड्राइव। ओके ओके, यहां पर भी वही बात लग रही, इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीड, ओके, इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीड। सी, टू राइट टू स्विम, ये जो दोनों है वो इन्फिनेटिव है, ठीक है, टू राइट टू स्विम। नॉन फाइनाइट्स, दे हैड बेटर डाइड देन सरेंडर बिफोर द एनिमी, दे हैड बेटर डाइड देन सरेंडर बिफोर द एनिमी, सरेंडर सो डाई, राइट? दे हैड बेटर डाई देन सरेंडर बिफोर द एनिमी। ये कोई पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है कि यहां पर हम जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सो डाई और सरेंडर दो चीज हैं उनके पास में, तो उनको सरेंडर करने से अच्छा है तो उनको मर जाना चाहिए, राइट? सो डाई देन सरेंडर। आई हैड रादर रीड देन वेस्टिंग माई टाइम हियर, आई हैड रादर रीड देन वेस्ट माई टाइम हियर, राइट? वेस्टिंग नहीं, वेस्ट, रीड देन वेस्ट। ही इज जूनियर टू मी, जूनियर सीनियर प्रेफर, इन सबके साथ टू लगता है। अकॉर्डिंग टू राम मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी, शी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर, शी इज वाइजर देन हर ब्रदर, मोर की जरूरत नहीं है। माई हाउस इज बेटर देन, मेरा घर राज से अच्छा नहीं है, मेरा घर राज के घर से अच्छा है, राइट? सो या तो राज का घर, राज हाउस, या फिर माई हाउस इज बेटर देन दैट ऑफ राज, इनफैक्ट दिस इज बेटर, माई हाउस इज बेटर देन राज, ठीक है, नॉट राज, बट राज का हमें पोजिशन बताना पड़ेगा, राज, राज। द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन मैसूर, ओके, वापस ऊटी के क्लाइमेट को मैसूर से कंपेयर नहीं कर सकते हम, ऊटी के क्लाइमेट को मैसूर के क्लाइमेट से कंपेयर करेंगे। सो द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन दैट ऑफ, मैंने आपको बताया था बेसिक सेशंस में जब दोनों को सेम लाइन पे कंपैरिजन करना है तो यहाँ पर देन के बाद आप दैट ऑफ यूज कर लो, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम मैसूर के क्लाइमेट को ऊटी के क्लाइमेट से कंपेयर कर रहे हैं, राइट? मैसूर ऊटी का क्लाइमेट गलत, मैसूर का क्लाइमेट ऊटी का क्लाइमेट, कंपैरिजन किसके बीच में करना है, दोनों के क्लाइमेट्स के बीच में, ठीक है? सो यहाँ पर क्योंकि क्लाइमेट ऑफ ऊटी की बात है, यहाँ सिर्फ मैसूर लिखा हुआ है, इसलिए देन के साथ में आपको दैट ऑफ लगाना पड़ेगा ताकि क्लाइमेट दोनों जगह का आपस में कंपैरिजन हो, क्लियर? सो द क्लाइमेट ऑफ ऊटी इज बेटर देन दैट ऑफ मैसूर। ओके, देर आर लेसर रूम्स इन दिस होटल देन इन दैट, ओके, देर आर फ्यूअर रूम्स, रूम्स काउंटेबल है तो वी कैन यूज फ्यूअर, राइट? सो देर आर फ्यूअर रूम्स इन दिस होटल देन इन दैट। टेक दिस टेबलेट विथ अ फ्यू मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है सो विथ लिटिल मिल्क, विथ अ लिटिल मिल्क, फ्यू की जगह लिटिल, राइट? फ्यू किसके लिए आएगा, काउंटेबल नाउन के लिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो टेक दिस टेबलेट विद अ लिटिल मिल्क, थोड़े दूध के साथ में ये दवाई ले लो। ओके, योर प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली इजियर, नहीं आएगा कंपैरेटिवली, ऑलरेडी हमने एक कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज कर लिया तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, इजी,
ठीक है, योर प्रॉब्लम इज कंपेरेटिवली इजी देन दैट ऑफ माइन. ये दैट ऑफ का यूज आप देखिए, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया था दैट ऑफ के यूज के लिए, अभी आप यहां पर भी इसको रिलेट कर सकते हो कि जब इधर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं और इधर मैं खड़ी हूं, तो मेरा कंपैरिजन और प्रॉब्लम का कंपैरिजन गलत है. मेरी प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम. सो यहाँ पे दैट ऑफ लगाया है. द क्वालिटी ऑफ दिस डिटर्जेंट पाउडर इज कंप्लीट कंपेरिटिवली गुड, पॉजिटिव डिग्री, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, सेम यहां पर भी होगा. ही रन्स एज फास्टर इफ नॉट फास्ट देन यू. ही रन्स एज फास्ट, ही रन्स एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन यू. देन के पहले तो कभी भी कंपेरेटिव डिग्री ही आएगी, इसलिए वहां पे तो क्लियर ही रही है, इफ नॉट फास्टर देन यू. सो ही रन्स एज फास्ट एज यू इफ नॉट फास्टर देन यू. सो वो एज यू आप गायब कर सकते हो, लेकिन ही रन्स एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन यू. ठीक है, सिंपल है. सीता इज एज ब्यूटिफुल एज इफ नॉट ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर. ओके, सेम ही एग्जाम्पल है. सीता इज एज ब्यूटिफुल इफ नॉट मोर ब्यूटिफुल, राइट, मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर. इनफैक्ट एज ब्यूटिफुल एज होना ही चाहिए, एज ब्यूटिफुल. सीता इज एज ब्यूटिफुल एज इफ नॉट मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर. इनफैक्ट यहां पर भी एज होना चाहिए, ही रन्स एज फास्ट एज इफ नॉट फास्टर देन यू. या ठीक है, ध्यान में रखिए, आई एम सॉरी. सीता इज एज ब्यूटिफुल एज इफ नॉट मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर. सीता उतनी खूबसूरत तो है जितनी कि उसके सिस्टर है, अगर उससे ज्यादा नहीं है तो कम से कम उतनी ब्यूटीफुल तो है. द मोर यू हाइड समथिंग द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ. यहां पर मोर है द मोर, तो यहां पर भी द मोर. ठीक है, जैसे अगर हम और भी बहुत सारे होता है, द बेटर द बिगर, द बिगर द बेटर, राइट, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा. सो द बिगर द बेटर, राइट. सो द सेम थिंग द मोर, तो यहां पर भी मोर, दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री. दिस इज ऑल द मोर बेटर. ओके, दिस इज ऑल द बेटर, और दिस इज ऑल द मोर गुड. ठीक है, द वैली गोज डीप एंड डीप, डीपर एंड डीपर आफ्टर दिस पॉइंट. और जो चीज कंटिन्यूअसली होती जा रही है उसके लिए हम ऐसा ही बोलते हैं, जैसे ठंडे से ठंडा और होता जा रहा है, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, राइट, हॉटर एंड हॉटर, डीपर एंड डीपर, राइट. तो ये ध्यान रखिए, कोई चीज जब धीरे धीरे आगे जाकर के ये जो पर्टिकुलर कुछ जो भी है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो आप कंपेरेटिव डिग्री यूज करोगे, राइट. सो डीपर एंड डीपर आफ्टर दिस पॉइंट, कोल्डर एंड कोल्डर आफ्टर दिस पॉइंट, हॉटर एंड हॉटर, राइट, बिगर एंड बिगर. ओके, राम सेट आई एम वेरी बेटर नाउ की जगह मच बेटर नाउ, राइट, आई एम मच बेटर नाउ. ठीक है, ओके. द क्लोथ ऑफ दिस सूट इज मच इन्फीरियर, मच इन्फीरियर, वेरी इन्फीरियर नहीं आएगा, मच इन्फीरियर. दिस इज सुपरलेटिव्स के साथ में हम जनरली द यूज करते हैं. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. ही इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल मैन इन द सोसाइटी, ऑल मैन. ही इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल मैन इन द सिटी, राइट, प्लूरल. ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज. सो यहाँ पर अदर लगाने की जरूरत नहीं, ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अदर फिर लगाने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स इन द कॉलेज. रमेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, राइट, बेस्ट स्टूडेंट्स उसमें से रमेश एक है. सो रमेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द कॉलेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एरर्स जो है काफी बारी आती है एग्जाम्स में.
राइट, वन ऑफ के आगे, सो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ये जो है वो प्लूरल होना चाहिए. ही इज माई, द बेस्ट फ्रेंड की जरूरत नहीं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. रमेश इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट पर्सन्स, इफ नॉट द, ओके, स्ट्रोंगेस्ट, ओके, इफ नॉट द स्ट्रोंगेस्ट इन द टाउन. टाउन वहां पे कोई गलती नहीं है, बस यही जो सेम एरर यहां पे थी, वन ऑफ द लगाया तो वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट पर्सन्स, इफ नॉट द स्ट्रोंगेस्ट इन द टाउन. सो रमेश इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट पर्सन, मतलब काफी स्ट्रांग, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं उसमें से एक हैं. अगर सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उनका जो पूरा, सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग लोग हैं उसमें से एक है. ठीक है. आई शेल परचेज द बिगर वन ऑफ ऑल दीज हाउसेस. से बिगर जब भी हम बात कर रहे हैं तो दो जो दो चीजों में कंपेयर कर रहे हैं, राइट. सो आई शेल परचेज द बिगर वन ऑफ, मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट आइडियल टीचर. मिस्टर शर्मा इज, हम कह सकते हैं एन आइडियल टीचर. मोस्ट आइडियल कुछ नहीं होता, मिस्टर शर्मा इज एन आइडियल टीचर. दिस इज मोर द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी. दिस इज मच द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी. I have the best and a cheaper magazine. Okay, जो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज करी तो यहाँ पर भी सुपरलेटिव ही डिग्री यूज करनी चाहिए. सो आई हैव द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैगजीन, राइट. आई हैव द बेस्ट एंड द चीपेस्ट. ठीक है. दिस इज आउट एंड इन द बेस्ट हॉस्पिटल. दिस इज आउट एंड आउट द बेस्ट हॉस्पिटल. Out and out. Out and out basically एक एडजेक्टिव ही है. Out and out मतलब सबसे अच्छा आप कह सकते हो, एब्सोल्यूट के सेंस में आता है ये. सो दिस इज आउट एंड आउट द बेस्ट हॉस्पिटल. ओके, सो ये आप ध्यान में रख लीजिए. विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट. ओके, विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक मोस्ट. द मोस्ट की जरूरत नहीं है. विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक मोस्ट. आई डोंट लाइक दीज, दिस काइंड ऑफ पीपल. जैसा कि हमने बेसिक सेशन में भी बात की थी, काइंड के पहले आप कभी भी दीज यूज नहीं करते. दीज और दोज नहीं, सिर्फ दिस. दिस काइंड ऑफ पीपल, दिस टाइप, दिस सॉर्ट, यहां पर भी दिस, राइट. सो दिस ही यूज होगा, दीज नहीं होगा. ये भी बहुत बेसिक एरर है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. द पुअर्स शुड बी हेल्ड हेल्प्ड. ओके, द पुअर, पुअर शुड बी हेल्प. पुअर्स की जरूरत नहीं है. द पुअर शुड बी हेल्प्ड. दैट वॉज द मोस्ट एक्सलेंट, नहीं, दैट वॉज अ मोस्ट एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न गुड मनी. दैट वॉज एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी. सी एक्सलेंट, मैंने आपको एक वर्ड का लिस्ट बताया था पूरा, कि जो वर्ड ऑलरेडी ऐसे हैं कि इनसे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, तो उनके आगे हम और सुपरलेटिव या कंपेरेटिव वर्ड नहीं लगाते. जैसे सुप्रीम है, एक्सेलेंट है, एब्सोल्यूट है, तो इन सब के आगे हम और कुछ भी यूज नहीं करते. तो एक्सेलेंट के आगे भी और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है. सो दैट वॉज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न गुड मनी, राइट. और वैसे अगर आप सेशन 3 रिवाइज करेंगे एडजेक्टिव का, तो वो लिस्ट अवेलेबल है, आप वहां पे से दोबारा देख भी सकते हैं. और आपने नोट डाउन भी की होगी शायद, सो देख लीजिए. शी रीच्ड हियर द अर्लीस्ट ऑफ बोथ गर्ल्स. सिर्फ जब दो गर्ल्स के बीच में बात करते हैं तो अर्लीस्ट नहीं हो सकता. अर्लीस्ट कब होगा? जब सारे लड़कियों के बीच में बात करेंगे, राइट. सो शी रीच्ड हियर द अर्लीस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स. ओके, दिस इज मच बेस्ट स्कूल. दिस इज वैसा ही है जैसा पहले यहां पर बताया था. मच द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी. सो सेम चीज है यहां पर. दिस इज मच द बेस्ट स्कूल.
इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ. शी इज मच द बेस्ट फॉर द जॉब, दैट मीन्स शी इज सर्टेनली बेटर देन एनी वन एल्स. दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द फ्री डिक्शनरी. सो शी इज मच द बेस्ट फॉर द जॉब, शी इज सर्टेनली बेटर देन एनी वन एल्स, राइट? मच द बेस्ट. सो यहां पर भी जो मैंने बताया, दिस इज मच द बेस्ट स्कूल, दिस इज मच द बेस्ट कॉलेज. ओके, सो दैट मीन्स सर्टेनली बेटर देन एनी वन एल्स या सर्टेनली बेटर देन एनी अदर कॉलेज, एनी अदर स्कूल. शी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर. जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कोल्डर एंड कोल्डर, डीपर एंड डीपर, हॉटर एंड हॉटर. सो शी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग इट. शी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर. देन ही इज ब्रेवर देन स्ट्रोंगर. ओके, ये चीज भी हमने डिटेल में डिस्कस करी थी. जब हम एक ही आदमी की दो क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं और दो आदमियों की सेम क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, जब दो आदमियों की सेम क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, सो राम इज स्मार्टर देन श्याम. ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, राम इज स्मार्टर देन श्याम. यहाँ पे दो आदमियों की सेम क्वालिटी है. एक आदमी की दो क्वालिटी के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे, सो डिग्री पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन मोर लग जाएगा. ही इज मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग, राइट? मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग. ठीक है, एक आदमी की दो क्वालिटी, ब्रेव एंड स्ट्रांग, और दो आदमी की एक क्वालिटी. सो एक आदमी के जब दो क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, तो मोर लगाएंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, राइट? द क्वालिटी ऑफ दिस शर्ट इज सुपीरियर टू योर. सुपीरियर, इंफीरियर, प्रिफर, सीनियर, जूनियर, इन सबके साथ टू यूज करते हैं. सो द क्वालिटी ऑफ दिस शर्ट इज सुपीरियर टू योर्स. राम केम प्रायर टू मी. द घी ऑफ हरियाणा इज बेटर देन राजस्थान. नहीं, हरियाणा का घी राजस्थान से बेटर नहीं है, हरियाणा का घी राजस्थान के घी से बेटर है. सो बेटर देन दैट ऑफ राजस्थान, राइट? बहुत कॉमन एरर है ये भी. ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास. ओके, अदर स्टूडेंट ऑफिस क्लास. सो बहुत सिंपल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए दो सेशंस में, और दोनों के दोनों सेशन में जितने एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, आप दोबारा से करिए. एक बारी अभी करिए, एक दो बारी अभी करिए, और थोड़ा टाइम के बाद में दोबारा उनको वापस करिए, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि जितना ज्यादा रूल्स को आप मगअप करने की कोशिश करोगे, उतनी आपको प्रॉब्लम होगी. इससे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएं, तो जो रूल्स है वो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट होते जाएं. रूल्स के बगैर सीखना ज्यादा आसान है, बजाय कि आप रूल्स बहुत सारे याद कर करके और अप्लाई करो. इससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करते जाओ, रूल्स अपने आप सेट होते जाएंगे दिमाग में. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. वंस अगेन, बाय बाय.